का कोई ऐसा पल नहीं था कि मेरी जान नहीं थी। हमने बहुत समय एक बहुत बड़ा विकट परिस्थिति खेला, जनता पर दमन खेला था, जनता का नरसंहार देखा था, जनता का घर उजड़ते देखा था, जनता को विवश और लाचार होते देखा था, माँ बहन की इज्जत चिंता ईजा ताबू को लूटते देखा था। आधुनिक प्रा चढ़ा के दरमियान मैंने 2005 का आदेश जेल जिंदगी गए, बहुत कठिन जिंदगी रहा, एक जेल नहीं रहा, अनेकों जेल गए, चाहे बिहार के कई जेल में गए, झारखंड के कई जेल में गए, उत्तर प्रदेश के कई जेलों में गए। हर कुकम हो सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा तो देश का जो सर्वोच्च जन पंचायत है उसी पंचायत से वहीं पर विधि विधान कानून बनाना होगा। आज बीजेपी क्या चाहता है? बाबा साहब का बना हुआ संविधान जो है खत्म करना चाहता है। बीजेपी आज क्या चाहता है? देश में कभी चुनाव नहीं हो, एक चुनाव हो, सही बात है। रिंग में स्वागत है आपका, मैं हूँ रफी सर। हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी, जो आज आरजेडी का दामन थामे हैं। दरअसल जेएमएम में भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है, सांसद रह चुके हैं, उसके बाद टीएमसी में गए और आज आरजेडी का दामन थामा है। बड़ा लंबा सफ़र इनका रहा है, कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज आपने आरजेडी का दामन थामा है, जेएमएम गठबंधन सत्तादल की पार्टी है, आप जेएमएम में भी थे, उसे छोड़ दिए, तृणमूल में गए और आज आरजेडी आए हैं, आखिर इतना लंबा सफ़र और इतना मतलब इधर से उधर का खास मकसद? इससे पहले तो हम आपको बात बताना चाहेंगे कि आरजेडी का मेरा एक ही ऐतिहासिक बात करना है, क्योंकि हमारा कई घटनाओं के बाद आज एक एक हम तो मिला है, तो इसके लिए हम अपने आप आभार और गौरव महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपको आरजेडी में हमारा विचारधारा सुटेबल नहीं कर पा रहा था। हमने जेएमएम भी रहे, जेएमएम से मैंने सांसद भी रहे, जेएमएम छोड़ के फिर हम तृणमूल कांग्रेस में गए, तृणमूल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस का हमने जो कांग्रेस का हमने झारखंड प्रदेश का एसीसीएल का अध्यक्ष भी रहे, अभी हम आरजेडी में आए हैं। तो आरजेडी में आने का मेरा एक मकसद ये है कि हम जो सब वर्षों से जो संघर्ष किया था वो संघर्ष का रास्ता है, और आरजेडी का माननीय लालू प्रसाद जी का जुबान, ये जुबान हम गरीबों बेसहारे मंजिल दिखाने का काम, मंजिल आज जो निश्चित तौर पर लोग अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, हमने आज पार्टी में आकर के अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, और पार्टी का जो हम एक सिपाही के रूप में कार्य करेंगे, जो पार्टी मुझे जुड़ा देगा। कमेश्वर जी, आप बोल रहे हैं लालू जी का जो सिद्धांत है, लालू जी का सिद्धांत बहुत दिन से चला आ रहा है, सिद्धांत पहले भी हमने भी आपको आकर्षित किया, हमने बहुत दिन पहले ही से प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रयास में हमने सफल नहीं हो पा रहे थे। आज हम माननीय लोगों से बात करने के बाद और लोग हमको संतान, कमेश्वर जी बहुत उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में, इनके जो उतार चढ़ाव के बारे में क्या कह रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। हमारा उतार चढ़ाव को अगर ये नहीं रहता तो ये मंजिल नहीं मिलती, चाहे वर्ष संघर्ष की राजनीति हमने जो किया है, वर्ष संघर्ष की राजनीति की जिंदगी का कोई ऐसा पल नहीं था कि मेरी जान नहीं मिली। हमने बहुत समय एक बहुत बड़ा विकट परिस्थिति खेला, जनता पर दमन खेला था, जनता का नरसंहार देखा था, जनता का घर उजड़ते देखा था, जनता को विवश और लाचार होते देखा था, माँ बहन की इज्जत चिंता ईजा ताबू को लूटते देखा था, समझ में आया। मैंने उस संकट में मैंने धैर्य से उस वर्ष संघर्ष का नेतृत्व किया था और जनता को जगाने का काम किया, और लोगों ने अपना एक हक समझा, क्योंकि लोगों में अपने आप को नहीं समझ पा रहा था कि मेरा पास कोई जुबान है, हमको भी बोलना चाहिए, हमको भी प्रतिवाद करना चाहिए,
तो मैंने उस समय जब लोगों को जुबान दिया, लड़ने का प्रेरित किया कि तुम लड़ो, बैठ के नहीं रखो, और मैंने उस जिंदगी में बहुत उतार चढ़ा और वही उतार चढ़ा के दरमियान मैंने 2005 का अरेस्ट किया, जेल जिंदगी गए, बहुत कठिन जिंदगी रहा, एक जेल नहीं रहा, अनेकों जेल गए, चाहे बिहार के कई जेल में गए, झारखंड के कई जेल में गए, उत्तर प्रदेश के कई जेलों में गए, दिल्ली के कई जेलों में गए, कई जेल को भ्रमण करते हुए हमने हैं, और हमने एक डिसीजन लिया कि आज जो हमारा जो कार्य रहा है इस वर्तमान में हैं, अब हमको क्या करें। मैं बाबा साहब का संविधान पढ़ा, राजस्थान की घोषणा पढ़ा, देखा है कि आज निश्चित तौर पर हमको आज इस सब की जो रास्ता था, पथ था, वो रास्ता से जो हमने तय किया था, वो रास्ता से परिवर्तन नहीं हुआ, सुधार हो रहा, लेकिन परिवर्तन के जो मामला आ रहा था, तो परिवर्तन जब भी होगा तो न्यायपालिका से, संसदीय प्रणाली से, जो संसदीय प्रणाली में कामेश्वर बैठा जो संसद में गया था, आप लोग देखे होंगे, आप लोग का टीवी में कैद है, मोबाइल में कैद है, करीब लगभग 46-47 बार हमने सदन में आवाज उठाया, हर बिल में हमने भाग लिया था, और सारे बिल में हमने पलामू की समस्या को अंकित करने का कोशिश किया कि पलामू संसदीय क्षेत्र गरीब और बेरोजगारी है, वहाँ महंगाई है, वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ सुधार होता है, अकाल पड़ता है, वहाँ के लोग विवश होकर बाहरी दुनिया में कमाने जाते हैं, ये कई चीज़ें हमने बोला, हमारे यहाँ नक्सलवाद है, हमारे यहाँ जूती जूतिया जो ईट भट्टा पर क्रेशर पर वगैरह वगैरह जगह पर कमाने जाते हैं, क्या क्रिकेट, क्योंकि मेरा पलामू में कोई रोजगार नहीं है, हमने कई बार सदन में लगातार हर भाषण में हमने बात को रखने का कोशिश करता था, समझे बात। तो कमिश्नर जी, ये इस तरह से आपने बोला कि न्यायपालिका पर विश्वास है और जो आपका संघर्ष का सहारा है, हमने न्यायपालिका ऐसा नहीं लगता है कि आप मैसेज भी देना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को जीतना हो या हासिल करना हो इसके लिए या तो हथियार या फिर नहीं बोलना चाहिए। कई बार बोल चुका है, आज भी कई बार बोल चुका है। देखिए, आज न्यायपालिका जो है एक दूसरे रूप में, हमारे पास कम से कम सैकड़ों मुकदमे थे हमारे लिए, लेकिन न्यायपालिका में जिस तरह से भगवान के मंदिर में माथा टेकता है और भगवान क्या कहता है कि हे भगवान हम निर्दोष हैं, मुझे न्याय दे, उसी प्रकार न्यायपालिका है भगवान रूपी मंदिर, और न्यायपालिका से मैं सारे मुकदमा से बरी हूँ, और मैं कई बार हमने जो बाहरी जो गठ संघर्ष करने वाले, जो हथियारबंद संघर्ष करने वाले जो लोग हैं, उनको हमने कई बार संदेह देने की कोशिश की, आज वर्तमान परिस्थिति वो नहीं है कि हथियार लेकर कोई संघर्ष कर सकते हैं, उथल पुथल हो सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं है, जब भी परिवर्तन होगा तो देश का जो सर्वोच्च जन पंचायत है उसी पंचायत में, वहीं पर विधि विधान कानून बनाना होगा, और बाबा साहब का बना हुआ संविधान को रक्षा करना होगा। आज बीजेपी क्या चाहता है? बाबा साहब का बना हुआ संविधान जो है खत्म करना चाहता है। बीजेपी आज क्या चाहता है? देश में कभी चुनाव नहीं हो, एक चुनाव हो, सही बात है। तो ये जो संविधान नहीं रहेगा तो आज जो कामेश्वर बैठा है, जो गौर प्रसाद जो बोल रहा है मौलिक अधिकार के, वो तो कल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा सबका अपने आप में, सही बात। तो हमको आज माओइस्ट लोग समझने स्पष्ट बोलते हैं, क्या हो, संविधान तुम्हारा खतरा नहीं, ये संविधान के बल पर ही तुम भी हो, अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, संविधान है तभी तुम सामाजिक न्याय लड़ाई के लिए मांग कर रहे हो, हक के लिए मांग कर रहे हो, ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं। फिर भी तो पलामू में देखा जाए तो खत्म नहीं हो रहा, देखिए खत्म की सवाल वहाँ नहीं है, जनता का भागदारी नहीं है, देश में कहीं भागदारी नहीं, उनको खोलने में जरा सा संकोच नहीं होता है, इतनी बड़ी आंदोलन होता है, सब हथियार लेकर लोग लड़ते हैं, रोज मरते हैं, कैको आंसू पोछते हैं, जब कामेश्वर बैठा लड़ रहा था तो उसके पीछे हजारों हजार जनता लोग सड़क पर उतर रहे थे, कामेश्वर बैठा जब जेल गया था तो लाखों जनता हमको जेल गेट में जेल में भेंट करने गए, हजारों नहीं लाखों, समझ के बाद इसका प्रमाण है जेल, समझ के बाद कोई ऐसा दिन नहीं रहता था कि जो हमको 2000, 1000, 500, 600, 700 जनता भेंट करने नहीं जाता, चाहे वो बिहार का जेल हो, चाहे वो झारखंड का जेल हो, चाहे दिल्ली का जेल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जेल हो, कोई भी देखे, कोई भी पत्रकार महोदय, हम आपसे बताना चाहते हैं, कोई भी मुंह में आप करते हैं, अगर उसमें जन भागदारी नहीं है तो वह आंदोलन आपको आरक्षकता हो जाएगा, वह आंदोलन आरक्षकता हो जाएगा। आज आंदोलन है, आप गोल देते हैं बंदी का, गाड़ी नहीं चलता है, बस नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है,
उनके फरमान से नहीं, उनका फरमान ये है कि बस चलाएंगे तो उड़ा देंगे, घूम जाएगा वो। कल बंदी हम करते थे तो जनता उसमें पैनल लगा के झंडा लगा करके लोग जाते थे, हम बंदी कर दुकान पर कहते थे भाई जी दुकान बंद कर दो, तुम्हारा ही मांग है, दुकानदार दुकान बंद करता और साथ बंदी में शामिल होता। कहीं ना कहीं उन लोग ट्रैक चेंज कर चुके हैं, ट्रैक देखिए जो ट्रैक था जैसा आपने बताया, आपने वाकई में आपका कहने में जो बदल है कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते थे तो जनता भी सपोर्ट। देखिए कोई चीज़ भी देखिए आपका ट्रैक चेंज हो, देखिए कोई भी चीज़ क्रांति जो कोई भी क्रांति की जब बात करता है, परिवर्तन की जब बात करता है तो उनके लिए एक पत्र, उनके लिए एक संविधान, मान ली एक कम्युनिस्ट पार्टी है। कोई भी देश में जब क्रांति हुआ है, जो चाइना का देखेंगे, क्यूबा का देखेंगे, वियतनाम का देखेंगे, चीकी सराबिया का देखेंगे, रूसिया का देखेंगे, सिंगबाद बगल में नेपाल का भी देखेंगे, सबका एक संविधान। उस संविधान में क्या था, मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी, सस्ता जनसेना और संयुक्त मोर्चा, सब कुछ इनके पास। लेकिन बिना देश कोई भी परिवर्तन, बिना संयुक्त मोर्चा का काम नहीं होगा, विभिन्न संगठनों का जब तक आपके पास संगठन नहीं होगी वो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ, सही बात, जो व्यवस्था है और सिस्टम के खिलाफ है, चाहे वो लाल झंडा हो, काला झंडा हो, उजला झंडा हो, पीला झंडा हो, इससे नहीं देखना होगा आपका, वो झंडा को आपको संयुक्त मोर्चा में लड़ना पड़ेगा, सिस्टम से जीत सिस्टम। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद, जिन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी तरह की लड़ाई लड़नी है तो सिस्टम से लड़नी होगी, तभी जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही आज इन्होंने आरजेडी का दामन थामा है, देखने वाली बात होगी इनके आरजेडी को दामन थामने पर आरजेडी को कितनी मजबूती मिलती है, पूर्व सांसद जी को कितनी मजबूती मिलती है। न्यूज़ बिंग के लिए रांची से रफी समी, सहयोगी उदय किसान। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर।